शहर के साप्ताहिक बाजारों से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। बाजारों में ना तो सब्जी फल विक्रेताओं द्वारा मास्क लगाया जाता है और न ही खरीदारी करने आए लोगों द्वारा। कुछ जागरूक लोगों को ही मास्क में देखा जा सकता है। बिना मास्क लगाए लोगों पर नगर निगम द्वारा विभिन्न चौक चौराहों में चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन साप्ताहिक बाजारों को चालानी कार्रवाई से मुक्त रखा गया है, जिसे बाजार आए विक्रेता और क्रेता दोनों की समान रूप से संक्रमण फैलने को लेकर जवाबदार कहे जा सकते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन द्वारा तो कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी सार्वजनिक चौक चौराहों बाजारों में नगर निगम के द्वारा विशेष दस्ते द्वारा लगातार चलानी कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं हाउसिंग बोर्ड में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में। आप देख सकते हैं कि इस बाजार का पूरा जो जितने भी यहाँ पे दुकानदार आए सब्जी व्यवसायी आए हुए हैं प्लस जो खरीदारी करने आए हुए हैं उनमें से 90% लोगों के द्वारा किसी के द्वारा मास्क नहीं पहना गया है। किसी से हमारे द्वारा चर्चा करने पर भी लोगों द्वारा ये कहा गया कि अभी कोरोना का संक्रमण फैला ही कहाँ है। अभियान चलाए जाने के बावजूद भी इस और बाजार की ओर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सभी चौक चौराहों में नगर निगम की टीम तैनात है, लेकिन साप्ताहिक बाजारों को उपेक्षित छोड़ दिया गया, जबकि कोरोना संक्रमण की मुख्य वजह यही है। ना ही सब्जी विक्रेताओं द्वारा कहीं फल व्यवसायियों द्वारा किसी तरह का मास्क पहना गया और ना ही यहाँ खरीदारी करने आए लोगों द्वारा। जागरूकता को लेकर कहा जाए तो पिछले दो कोरोना काल में देखा जा चुका है कि लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके पूर्व कुछ महीने पूर्व तक लोगों द्वारा मास्क का भी लगातार प्रयोग किया जाता रहा था, लेकिन इस बार ऐसी कुछ स्थिति देखने को नहीं मिली है, जबकि कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन का संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है। हमें इससे सचेत और जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमारे ग्रैंड एशियन न्यूज़ के द्वारा की टीम द्वारा भी लगातार यह प्रयास किया जाता रहा है। विभिन्न स्थानों में हमारी टीम द्वारा भी लोगों को मास्क के लिए लगातार जागरूक किया जाता रहा है। हमारी नगर निगम प्रशासन से एक यही अपेक्षा है कि अपने इस अभियान की को और भी मजबूती प्रदान करते हुए शहर के सभी साप्ताहिक बाजारों के साथ ही विभिन्न बाजारों में भी दुकानदारों पर नजर रखे जाने की जरूरत है और कोविड गाइडलाइंस के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। किसी एक की वजह से किसी एक को छूट देने के कारण यह संक्रमण जो है लगातार रफ्तार पकड़ते जा रहा है। इससे बचने हमें नियमों का पालन करने के साथ साथ स्वयं जागरूक रहने के साथ साथ अन्य दूसरों लोगों को भी जागरूक किए जाने की जरूरत है, ताकि इस बीमारी से सुरक्षित रहा जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।